ऐसी कहानी सुनो जिससे आपको इशारा मिलेगा कि चमत्कार कैसे होते हैं, जो लोगों को कभी पता नहीं चलते हैं क्या एक्चुअली हुआ था, कैसे घटनाएं बनती हैं, कैसे शेप लेती हैं, क्योंकि सभी के अंदर सेल्फ तो एक ही है। इस कहानी में राज समझ में आएगा। कहानी क्या कहती है कि एक राज्य में राजा रात को बेस बदलकर टहलता था देखने के लिए कि राज्य में कैसे सब खुशहाल हैं कि नहीं। पुराने ज़माने के राजा क्या करते थे, तो वे देखते थे हमेशा एक इंसान जो मटके बनाता था, मटके दिन में बनाता था, बेचता था, और रात में भजन गाता था सुकून से, आनंद में, और फिर सोता था। रात देर तक वो भजन गाता था। तो राजा आकर बैठता था वहाँ, भजन भी सुनता था और सोचता था कि ये इतना खुश कैसे है, इसके पास क्या दौलत है, क्या सिक्योरिटी है इसके पास फ्यूचर का, ये इतना खुश कैसे है। तो बातों बातों में मालूम पड़ा राजा के साथ थोड़ी दोस्ती हो गई, राजा को पहचान नहीं पाता था। तो उसने कहा कि दुखी होने का कारण ही क्या है, मैं मटके बनाता हूँ, बेचता हूँ, पैसे इतने मिल जाते हैं जिससे परिवार भी खा लेता है, कुछ बच जाता है, किसी को खिला देता हूँ और जीवन अच्छा चलता है। तो राजा ने एक दिन सोचा कि इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए कि ये जो बोल रहा है इसमें कितना दम है। तो उसने दूसरे दिन राज्य में ऐलान किया कि राज्य का अब ये नया कानून है कि हर एक को अपना मटका खुद बनाना है, हर एक को अपने घर के लिए खरीदना नहीं है। अब तो इसका एक भी मटका नहीं बिका और वो रात में दिखा राजा को भजन गाते हुए। तो राजा ने पूछा कि अब मैंने तो सुना है कि ऐसा कोई तो नया कानून बना है, तो आज तो कुछ पैसे नहीं मिले होंगे। बोला हाँ सही है ये बात, तो आज तो कुछ खाने को नहीं मिला और मैं खुश हूँ कि एक ही दिन तो ऐसा है जब खाने को नहीं मिला, इतने दिन तो ईश्वर ने खिलाया ही है ना, एक ही दिन तो ऐसा था जब नहीं खिलाया है, तो उसकी क्या शिकायत वाली बात, तो मैं खुश हूँ। राजा ने सोचा अभी देखते हैं कितने दिन चलता है इसका। दूसरे दिन भी देखा राजा ने कि ये भजन गा रहा था। राजा ने पूछा अरे आज क्या आज भी भूखे? बोला नहीं आज तो खाना खाया है, आज मैं गया था कुएं पर लोगों को पानी भरवाने में दिन भर मदद की, कुछ लोगों ने जो पैसे दिए उससे लेकर आया खाना और परिवार ने खाया, थोड़ा रूखा सूखा था खा लिया, अभी वजन गा रहे हैं। तो राजा ने सोचा ठीक है देखते हैं क्या करते, ऐलान करवा दिया कोई भी कुएं पर पानी भरवाते वक्त किसी और की मदद न ले, मजदूरी न दे, अपने परिवार के लोगों से ही पानी भरवाए। नया कानून आ गया और फिर देख रहा ये भजन गा रहा है। अरे आज तो मैंने सुना ऐसा कानून बन गया, तो क्या हुआ? बोला मुझे मालूम पड़ा तो मैं खेत में गया, वहाँ लोगों की मदद करवाई बीज डलवाने में, कुछ पैसे मिले इसलिए खा रहा हूँ और भजन गा रहा हूँ। तो राजा ने सोचा ये कुछ तो कुछ करते ही रहेगा, इससे निपटारा नहीं होगा, टेस्टिंग नहीं होगी, तो ऐसा कुछ करें कि ये कर ही नहीं पाया ऐसा सब। तो फिर ऐलान किया राजा ने जो लोग भी ऐसी मजदूरियां करते हैं लोगों को मदद करके उन सबको फौज में भर्ती कर दो, उन सबको फौज में भर्ती कर दिया जाए, यानी पेमेंट तो महीने के बाद मिलेगी, तनख्वाह जो है वो महीने के बाद मिलेगी। तो अब देखते क्या करता है, कि अलाउड ही नहीं है ना, अभी सिपाही है तो दिन भर घूमना है राज्य में। और देखा रात में कि भजन गा रहा था तो आश्चर्य हो गया, तो आज क्या हो गया? बोला हा खाना तो नहीं खाया मगर जैसे क्या एक आधा दिन बीच में होता है, तो उसकी क्या शिकायत करें। राजा ने से कहा ठीक है अभी तो महीना भर है देखते हैं, अभी कुछ और तो कर नहीं पाएगा। दूसरे दिन भी यही भजन ही गा रहा है, अभी पेशेंस राजा का समाप्त हो रहा है। ऐसी घटना हुई कि सिपाही
मैदान में खड़े किए गए हैं और किसी कैदी को सज़ा सुनाई जाने वाली है। राजा वहाँ बैठा हुआ है, सिपाही खड़े हैं और वो भी खड़ा है, कुमार वो भी खड़ा है, ड्रेस वगैरह पहना दी गई है ना, तलवार ड्रेस सब उसी में ही वो खड़ा है उधर। राजा को अचानक एक विचार आया, अब इसकी टेस्टिंग यहाँ भी लेते हैं। क्या टेस्टिंग लेते हैं? इस कैदी की सज़ा मृत्यु है तो इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। और इस सिपाही को बुलाया गया कि तुम इसका सर जो है ना धड़ से अलग कर दो, देखते भी क्या करता है ये। तो वो कुम्हार क्या करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरे हाथ से किसी की हत्या हो जाए ये मैं नहीं चाहता, कृपया मेरी मदद करो। वैसे वे बात कर रहे हैं, कृपया मेरी मदद करो, और अगर तुम नहीं चाहते हो कि मेरे हाथ से किसी की हत्या हो तो मेरी जो तलवार है ना लकड़ी की हो जाए। सब सुन रहे हैं। और उसने अपनी तलवार निकाली और वो लकड़ी की थी। राजा को आश्चर्य हो गया, बोला ये तो सबसे बड़ा चमत्कार हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और तलवार लकड़ी की निकली। राजा ने उसको बहुत इनाम दिए और कहा कि जाके खुश रहो, तुम्हारी टेस्टिंग चल रही थी, तुम उसमें सफल हो गए, और पूरी हकीकत बता दी। अब ये आया बहुत खुशी से, बीवी को दिए, इतने इनाम मिले कि उम्र भर खाते रहे तो भी पैसे की कमी ना हो, इतने इनाम लेकर वो आया है। बीवी को बताया आकर कि आज ऐसी घटना हो गई और मैंने ईश्वर को प्रार्थना की, मेरे हाथ से हत्या अगर नहीं चाहते हो तो मेरी तलवार लकड़ी की हो जाए, और वैसा हो गया। बहुत खुश था, उसके लिए भी चमत्कार था। सब हो गया, सभी ने खुशी से खाया पिया। रात में बीवी ने कहा, एक बात कहूँ, नाराज मत होना। क्या? बोला, दो दिन से खाना नहीं आया था, बच्चे भूख से विलप रहे थे, तो मैंने सोचा आप तो तलवार कभी यूज करने वाले नहीं हो, तो मैंने वो तलवार बेच दी और जो पैसे आए बच्चों को खिलाया पिलाया, और आपको मालूम न पड़े इसके लिए लकड़ी की तलवार डाल के रखी। अब ये तो बीवी ने बताया, ये नहीं बताया होता तो ये घटना कैसे याद की जाती, इतिहास में ये घटना कैसे याद की जाती, तलवार लकड़ी की बन गई। तो सभी कनेक्टेड हैं, किसको क्या विचार दिया जाता है, किसी को क्या विचार दिया जाता है। राजा को एक विचार दिया जा रहा है कि इसको गर्दन काटने को बोलो, बीवी को एक विचार दिया जा रहा है तलवार बेच दो, इसको विचार दिया जा रहा है खेत में जाके काम करो, कुएं में जाकर काम करो, सभी को विचार दिए जा रहे हैं। और कैसे चमत्कारिक तरीके से कुछ प्रेजेंट होता है, कुछ घटनाओं में असली कारण सामने आता है और कुछ घटनाओं के पीछे असली कारण सामने नहीं आता है। मगर आपको इसमें समझ में आ रहा है कि चमत्कार कैसे होते हैं।